दोस्तों बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम 2 का सस्पेंस से भरा टीजर रिलीज हो गया है और इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए अब फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दृश्यम 2 में एक बार फिर अजय देवगन दर्शकों को 2 और 3 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था वहां के बिल्स सीडी और स्वामी चिन्मयानंद जी के महासत्संग से जुड़े राज बताने वाले हैं। टीजर की शुरुआत में पहले बार की कहानी दिखाई जाती है और आखिर में अजय देवगन को अपना कबूलनामा रिकॉर्ड करते हुए दिखाया जाता है। फिल्म के टीजर रिलीज से पहले पोस्टर और फिल्म से जुड़ी पुरानी यादें अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी और फिल्म के टीजर को शेयर करते हुए अजय देवगन ने लिखा, विजय और उसके परिवार की कहानी याद तो होगी आपको कि याद दिलाएं। वहीं फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें हमें तब्बू, अजय देवगन और शिया सरन के साथ ही अक्षय खन्ना और रजत कपूर भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि दृश्यम 2 में क्या क्या होगा। दृश्यम 2 की कहानी में 7 साल का गैप लिया गया है, यानी कहानी 7 साल बाद विजय और उसकी फैमिली की जिंदगी के साथ आगे बढ़ेगी। विजय, उसकी पत्नी नंदिनी, बेटी अंजू और पूरा परिवार अब भी एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। विजय का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है और इस इलाके में वो काफी फेमस भी हो गया है। हालांकि कुछ लोग विजय को बेहतरीन इंसान मानते हैं तो वहीं कुछ लोग अंदर ही अंदर कहते हैं कि इसने आईजी मीरा के बेटे को मारकर ऐसे गायब कर दिया कि किसी को कोई खबर ही नहीं लगी। इसी बीच विजय और भी फिल्म बनाना चाहता है, उसके पास एक कहानी है और इसके लिए वो मेकर्स और स्क्रीन प्ले राइटर से मिलने जाता है। लेकिन विजय को कैमरे के सामने अपना कबूलनामा रिकॉर्ड करते हुए देखा जा रहा है और आपने भी एक बात नोट की होगी, जब विजय लाश को पुलिस स्टेशन में दफनाने जाता है तो उसको एक शख्स देख लेता है। तो क्या वो शख्स सब कुछ पुलिस को बताने वाला है? क्या विजय जेल जाएगा? क्या आईजी मीरा अपने बेटे की कातिल फैमिली को सजा दिलवा पाएगी? ये सब जानने को मिलेगा 18 नवंबर 2022। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सारे राज खुल जाएंगे। बाकी इसके फ्लॉप और हिट होने की बात करें तो कई लोग कह रहे हैं कि ये कॉपीड मूवी है, लेकिन आपको बता दें कि इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कहा है कि इसकी कहानी में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कि इसमें हमको क्या अलग मिलने वाला है। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।